ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैडेट्स यहाँ पे ट्रेन होते हैं। और 1999 से हर साल जो कैडेट सबसे उम्दा परफॉर्म करता है उसे लासित बॉर्फुकन अवार्ड से नवाजा जाता है। इस अवार्ड के नाम का सिग्निफिकेंस क्या है, कौन थे ये लासित बॉर्फुकन और क्यों इन्हें असम की हिस्ट्री में इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। 17th सेंचुरी, उस जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगल एम्पायर के साथ टक्कर चल रही थी। वहाँ से अगर यहाँ आए तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था। उस टाइम मॉडर्न डे असम में 13th सेंचुरी से रूल कर रही अहोम डायनेस्टी का राज था। एम्परर औरंगजेब मुगल डायनेस्टी की प्रेजेंस ईस्टर्न इंडिया में फैलाना चाहता था और उसकी नजर थी असम पे। अर्ली 1660s में जनरल मीर जुमला को यह काम दिया गया था। मीर जुमला काफी हद तक इसमें कामयाब रहा और अहोम्स को अपने एम्पायर का कुछ हिस्सा मुगल्स को सौंपना पड़ा जिसमें गुवाहाटी भी शामिल था। इसके बाद अहोम राजा जयध्वज सिंघा की मौत हो गई और तब उनके कजिन चक्रध्वज सिंघा बने अगले अहोम राजा। उनका एक ही मकसद था, हारी हुई अहोम टेरिटरी मुगल्स से वापस लेना। लेकिन क्या ये करना इतना आसान था? मुगल्स बहुत स्ट्रांग थे और अहोम्स का मनोबल टूट चुका था। चक्रध्वज सिंघा को तलाश थी एक ऐसे जनरल की जो उनका ये सपना पूरा कर सके और उनकी ये तलाश पूरी हुई लासित बॉर्फुकन से। लासित बॉर्फुकन मोमाय तामोली बोरबोरुआ के बेटे थे जो अहोम आर्मी के कमांडर इन चीफ रह चुके थे और उनका अहोम एम्पायर में खास कंट्रीब्यूशन रहा था। जनरल बनने से पहले लासित बॉर्फुकन ने अहोम एम्पायर में कई पोजीशंस होल्ड की थी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ही हेल्ड पोजीशंस सच एज स्काफ बेरर ऑफ द प्रीमियर जो प्राइवेट सेक्रेटरीशिप के समान था, घोड़ा बरुआ यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ द रॉयल हॉर्सेस, कमांडर ऑफ द हिमोलोगढ़ फोर्ट, डोला का खरिया बरुआ यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ द रॉयल गार्ड्स। और जनरल बनते ही लासित बॉर्फुकन लग गए काम पे गुवाहाटी को मुगल्स से वापस जीतने की तैयारी में। 1667 तक आते आते लासित बॉर्फुकन ने इस मकसद के लिए एक आर्मी तैयार की और फिर वक्त आया अपने खोए हुए एरिया को छुड़ाने का। अहोम्स ने छोटी मोटी चौकियों पे मुगल्स पे अटैक किया, गुवाहाटी जो मेन टारगेट था उसे जीतना बाकी था। गुवाहाटी में इटाकोली फोर्ट है, ये फोर्ट जीतना काफी अहम था और इसे जीतने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प प्लान बनाया गया। यहाँ रखे मुगल्स के जो कैनन्स थे उसमें चालाकी से पानी भरा गया। जब अहोम आर्मी ने मुगल कंटिंजेंट पर अटैक किया तो रिस्पांस में मुगल्स कैनन्स यूज करने गए और आप समझ ही गए होंगे कि उसका रिजल्ट क्या रहा। आखिरकार गुवाहाटी और अपनी हारी हुई बाकी जगह अहोम्स ने वापस ले ली और साथ ही उनका मान और सम्मान भी। लासित बॉर्फुकन की लीडरशिप में अहोम्स की किस्मत में काफी वक्त बाद खुशी आई, लेकिन सामने मुगल साम्राज्य था जिसकी ताकत और पकड़ उस वक्त इंडिया के काफी बड़े हिस्से तक फैली हुई थी। ये बात तो तय थी कि औरंगजेब चुप नहीं बैठेगा और लासित बॉर्फुकन भी इस खतरे को हल्के में लेने वालों में से नहीं थे। लासित बॉर्फुकन को ये भी पता था कि मुगल्स जवाब में जो सेना भेजेंगे वो अहोम्स के मुकाबले संख्या में बहुत ज्यादा होगी, तो फिर ऐसे स्थिति में कैसे अपने लोगों को और जमीन को सुरक्षित रखा जाए। औरंगजेब ने अहोम्स को जवाब देने के लिए समन किया आम्बेर के राजा राम सिंह को। एक सोर्स के अकॉर्डिंग 30,000 इन्फेंट्री, 18,000 टर्किश कैवलरी और 15,000 आर्चर्स, ये सब प्रोवाइड किया गया राजा राम सिंह को। 1669 तक राम सिंह अपनी आर्मी के साथ अहोम टेरिटरी के करीब पहुंच गया था। तब से मुगल्स और अहोम्स के बीच काफी छोटी मोटी लड़ाइयां और क्लैशेस शुरू हुई। डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भी दोनों पार्टीज के बीच कम्युनिकेशन चला, कभी कुछ प्रपोजल आता था तो कभी कुछ और। गरिला वॉरफेयर भी यूज हुआ। राम सिंह ने लासित बॉर्फुकन को ब्राइबरी के झूठे इंजाम में फंसाने की भी कोशिश की थी। ये सारे इवेंट्स बिल्डअप थे बैटल ऑफ सराइघाट के। लासित बॉर्फुकन ने असेसमेंट किया कि किसी भी ओपन फील्ड में उनके आर्मी के जीतने का चांस काफी कम है, बिकॉज सिंपल फैक्ट मुगल्स की आर्मी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बड़ी थी और साथ ही उनकी कैवलरी बहुत स्ट्रांग थी। ऐसे में उन्होंने अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस की झलक दिखाई। गुवाहाटी और उसके आसपास हिल्स है तो लासित बॉर्फुकन ने सोचा बेनिफिट कर सकते हैं। लासित बॉर्फुकन ने गुवाहाटी की तरफ आने वाले रास्ते पर मड एम्बैंकमेंट्स यानी बांध बनवाए। मुगल्स की नेवी उनके आर्मरी का वीकेस्ट लिंक थी और इन मड एम्बैंकमेंट से ये हुआ कि उन्हें नदी के रास्ते से आना पड़ा। लासित बॉर्फुकन ने पूरे एरिया की सिक्योरिटी रीइन्फोर्स करवाई और ऑफिसर्स को अलग अलग एरियाज अलॉकेट किए गए। लासित बॉर्फुकन का अपनी धरती के लिए कमिटमेंट किस हद तक था वो एक किस्से से पता चलता है। उनके मामा जिनको एक फोर्ट के डिफेंस के लिए एक दीवार बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने वो काम हल्के में लिया और उसे टाल दिया। जब लासित बॉर्फुकन को पता चला तो उन्होंने अपने रिश्ते को नजरअंदाज करते हुए अपने मामा तक की जान नहीं बख्शी। आलाबोई नाम की जगह पर मुगल्स ने अहोम्स पर एक करारा वार किया जिसमें लगभग 10,000 सोल्जर्स की जान चले गई। इससे अहोम आर्मी का कॉन्फिडेंस और मोराल काफी डाउन था। कुछ टाइम बाद राजा चक्रध्वज सिंघा की मौत हो गई। फिर जब लासित बॉर्फुकन भी बीमार पड़े तो मुगल्स को एक सही मौका नजर आया।
और मुगल्स ने गुवाहाटी पर अपना फाइनल असॉल्ट शुरू किया। उनके इस अटैक को देखकर अहोम सोल्जर्स रिट्रीट करने लगे और ये बात जब लासित बोर्फुकॉन को पता चली तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। लासित बोर्फुकॉन डिसाइडेड टू टेक द मैटर इन हिज ओन हैंड्स। उन्होंने अपनी सारी फोर्सेस को मुगल्स को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया और अपनी खुद की खराब सेहत के बावजूद वो बैटलफील्ड में लड़ने पहुंच गए। ही इज बिलीव्ड टू हैव शाउटेड, लेट द मुगल्स कैप्चर मी अलाइव एंड लेट माई पीपल गो होम। और वो अपनी कमांड में 7 बोट्स लेकर दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। इस सब से जो सोल्जर्स रिट्रीट कर रहे थे उन्हें भी हौसला मिला और फिर वो सब धीरे धीरे लासित बोर्फुकॉन के साथ आगे बढ़ने लगे। दोनों साइड्स के बीच इंटेंस कॉन्टेस्ट हुआ। मुगल्स ये जंग सिर्फ अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अहोम्स के लिए दाव पर उनकी जिंदगी, आज़ादी और गौरव सब था। आखिर में लासित बोर्फुकॉन के नेतृत्व में अहोम्स ने ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच मुगल्स को शिकस्त दी। सामने लड़ रहे राम सिंह ने हारने के बाद ये ट्रिब्यूट दिया, असमी सोल्जर्स की वर्सेटाइल स्किल्स के साथ साथ राम सिंह ने लासित बोर्फुकॉन की आउटस्टैंडिंग लीडरशिप की भी तारीफ की। बैटल ऑफ सराइघाट के कुछ वक्त बाद अनफॉर्चुनेटली लासित बोर्फुकॉन की मौत हो गई। असम में लासित बोर्फुकॉन अभी भी पूजे जाते हैं। स्टैचूज, मेमोरियल्स, एनडीए का अवार्ड और हाँ, आने वाले टाइम में एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर की मूवी भी। साथ ही हर साल उनके हीरोइज्म को कमेमोरेट करने के लिए 24 नवंबर को लासित दिवस मनाया जाता है। लासित बोर्फुकॉन ने अगर उस टाइम पे अपने असम के लिए जान दांव पर नहीं लगाई होती तो असम की हिस्ट्री आज कितनी अलग होती। लेकिन एक बात तो तय है कि मुगल्स को कड़ी टक्कर देने में छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे वीरों के साथ साथ लासित बोर्फुकॉन का भी नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। हाय, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। द होल पॉइंट ऑफ अ चैनल इज टू आस्क फन एंड कंपेलिंग क्वेश्चंस, एक्सप्लोर वियर्ड एंड इंट्रिगिंग स्टोरीज एंड डेल्व इनटू सीक्रेट हिस्ट्रीज। सो इफ दैट्स समथिंग यू आर इनटू, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।